वेलकम टू द न्यूक्लियस आईएएस एकेडमी और ये एलिमिनेशन टेक्निक और लॉजिकल गैसिंग का पार्ट 16 है। आई होप आपको ये एलिमिनेशन टेक्निक वाली सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो पूरी देख लेना। ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि 2018, 19, 20 और 21 हर पेपर में 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से। अब 50 × 4 कर लीजिए तो 200, ऑलमोस्ट 200 वीडियोज़ और इससे भी ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी जो एलिमिनेशन टेक्निक्स, तो ऑलमोस्ट 200 से 250 के आसपास की वीडियोस की ये सीरीज है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये ओनली या फिर ऑलवेज वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, इनको कब सही मार्क करना है ये मैं तभी डिस्क्लोज करूँगा जब मैंने कहा था कि प्रीलिम्स 2022 से पहले 5000 सब्सक्राइबर्स इस पे चैनल पे हो जाए तो मैं वो डिस्क्लोज कर दूंगा वो ट्रिक। पर कोई बात नहीं, लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 77। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि नहीं नहीं हमने तो केवल लेक्स ही सुनी थी और यहाँ तो नेचुरल भी है, मैनमेड भी है, इसमें से भी ये मैनमेड वाली आर्टिफिशियल लेक पूछी है और ये अजीब अजीब से सारे नाम दे दिए हैं, ठीक है, वो भी विद स्टेट के साथ कि ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास 2 आवर्स होते हैं, 2 आवर्स में से मैं मान कर चलता हूँ कि मोटा मोटा 30 जो मिनट्स हैं वो आपके OMR फिलिंग और जो इनविजिलेटर जो आपसे साइन लेता है उस केसेस में आपके वेस्ट हो जाते हैं। और भी अगर आपको इफेक्टिवली बात किया जाए तो 1 hour and 30 to 40 minutes आपको इफेक्टिवली मिलते हैं। अब 1 hour 30 to 40 minutes मतलब 1 hour and 30 to 40 minutes के बीच में आपको अपना माइंड काम रखना है, शांत रखना है और शांति से ऐसे क्वेश्चंस को सोचना है। एलिमिनेशन टेक्निक क्या है? एलिमिनेशन टेक्निक वो चीज़ है कि जब आपके जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपने श्योर शॉट 35 से 40 क्वेश्चन या 35 के अराउंड मार्क कर लिए हैं उसके बाद ये एलिमिनेशन टेक्निक चालू करनी है। पहले ही एलिमिनेशन टेक्निक चालू मत कर देना, अदरवाइज आपका जो माइंड सेट है वो बाद में प्रेशराइज में हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है? बेसिकली एलिमिनेशन टेक्निक और लॉजिकल गैसिंग एक माइंड गेम है कि आपको अपनी सोच डेवलप करनी है कि उस तरीके से कि जिस तरीके से UPSC आपसे सोचवाना चाहती है। अब ध्यान दीजिए इन ऑप्शंस में, इसने जानबूझ के स्टेट क्यों लिखा है, क्यों लिखा है? अगर ये स्टेट ना भी लिखता, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये अगर स्टेट ना भी लिखता UPSC वाले जो पेपर बनाते हैं तो भी क्या जाता, लेकिन उसे जानबूझ के स्टेट लिखे हैं ताकि आप वो जो वो दिमाग आपसे लगवाना चाहता है, अगर वो दिमाग आपने लगा लिया तो डेफिनेटली सर आप ये क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। अब वो आपसे ये चाहता है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, और दिमाग क्या लगाना है? दिमाग ये लगाना है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये जो इतने ये माउंटेनियस एरियाज हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, क्या यहाँ पर कैनाल बनाना नेचुरल तो दूर की बात है, क्या यहाँ पर कोई मैनमेड एक्टिविटी करना इतना इजी है? जो जोन इतना सीस्मिकली एक्टिव है, लैंडस्लाइड्स वहाँ पे फ्रीक्वेंट आते हैं, रेनिंग सिचुएशंस में इतना गंदी सिचुएशन हो जाती है, क्या वहाँ पर आर्टिफिशियल लेक बनाना पॉसिबल है? नहीं है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तो वैसे ही गलत हो गए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जब आपकी लेक बनाना पॉसिबल ही नहीं है, 2 ऑप्शन आपके कट ऑफ हो चुके हैं, अब वो आपसे सोचवाना चाहता है कि कोलेरू और कोडाई कनाल में कौन सा मार्क करें। ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाओगे 50-50, लेकिन यहाँ पर 50% आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सही होने की और 50% प्रोबेबिलिटी आपकी गलत होने की है। अब UPSC आपसे दोबारा ये दिमाग लगवाना चाहता है कि आप रट्टू तोता कितने हैं और दिमाग लगाने वाले कितने हैं। अगर आप रट्टू तोता हैं तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को इतना 50% एलिमिनेट करने के बाद भी गलत कर जाएं, लेकिन अगर आपने दिमाग लगा लिया तो आप ये दिमाग जरूर लगा लेंगे कि कोडाई कैनाल को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो ये कैनाल जैसा वर्ड आ रहा है। आंसर इसका ए है। समझ गए आप? उसने जानबूझ के स्टेट्स दिए हैं। सर आप ये सोचिए कि वो स्टेट ना लिखता तो भी तो ये ऑप्शन बन सकते थे ना, वो कोडाई कैनाल ना देता या फिर कुछ और कोलेरू की जगह भी कोई और कैनाल से रिलेटेड मिलता जुलता ऑप्शन बना सकता था ना अपने मन से, लेकिन उसने नहीं बनाया। उसने जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रखा है कोडाई कैनाल वाला, ताकि आप समझो कि कोडाई कैनाल मतलब काइंड ऑफ सिमिलर है, आर्टिफिशियल लेक है, कैनाल से रिलेटेड है, तो कोडाई कैनाल आप मार्क करो। वो चाहता है कि आप दिमाग लगाओ और कोडाई कैनाल वाले ऑप्शन पे आओ।
उसने जानबूझ के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले स्टेट्स दिए हैं ताकि अगर आप में ये दिमाग है तो आप ये दिमाग लगा लोगे कि लेक्स वहाँ पर ऐसे माउंटेनस एरियाज में बनाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे लगाई जाती हैं। प्री रिक्विसाइट इसकी ये है एलिमिनेशन टेक्निक्स की, दैट यू शुड हैव अ काम माइंड, यू शुड हैव अ पीस, मेंटल पीस इन दैट ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको लगानी है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, एंडिंग दिस वीडियो।